वेलकम गाइस, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ स्मार्ट लोन्स एप्लीकेशन का। तो गाइस आप लोग देख सकते हो 4.3 स्टार रेटिंग्स है और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा डाउनलोड्स भी हो चुका है और बहुत सारे लोगों को भाई इस एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम्स आया है। बहुत लोगों के साथ लिटरली स्कैम हुआ है इस एप्लीकेशन पे। तो बहुत लोगों को नहीं पता है भाई करना क्या है, तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी रियलिटी बताऊंगा। साथ में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोग इस एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम पे फंस गए हो तो आप लोगों को क्या करना है। और जो भी नया बंदा है भाई इस एप्लीकेशन पे लोन लेने के लिए सोच रहे हैं या तो सोच रहे हैं कि भाई इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, कैसा एप्लीकेशन है, तो आप लोगों के लिए भाई इस एप्लीकेशन की जो भी ट्रू रियलिटी है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। कोई भी उल्टा सीधा बातें नहीं बताऊंगा, जो भी रियलिटी है वही मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना अगर आप लोगों को जानना है, अगर फंसना नहीं है तो भाई जान लो, नहीं तो बाद में आप लोग भी श्योर इस एप्लीकेशन के चक्कर में फंसोगे। बहुत सारे लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं। अभी गाइस देखो ये एप्लीकेशन वाले यहाँ पर कोई भी आप लोगों से डाटा वगैरह कलेक्ट नहीं कर रहे और आप लोगों को लोन देने का वादा कर रहे हैं। यहाँ पर 4.3 स्टार रेटिंग्स भी है और बहुत यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग्स भी है, जिसे देख के आप लोगों को बिल्कुल भी धोखे में नहीं पड़ना है। ये एप्लीकेशन वाले क्लेम क्या करते हैं अगर हम लोग ये चीज देखते हैं तो आप लोग देख सकते हो, पहले ही ये लोग बता रहे हैं कि भाई NBFC रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे ये लोग ये भी बता रहे हैं कि भाई अगर आप लोग 18 ईयर्स से एज आपकी ज़्यादा है, आप लोग ऊपर है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 50,000 से 5 लाख तक आप लोगों को लोन दे देगा। 91 डेज से 365 डेज तक रिपेमेंट पीरियड देगा और 35% के आसपास आप लोगों को इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देना पड़ेगा। और ये लोग हैंडलिंग फीस भी ले रहे हैं 80% से, और सॉरी 80 रुपीज़ से 2,000 रुपीज़ तक यहाँ पे हैंडलिंग फीस आप लोगों को देना पड़ेगा GST के साथ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लोगों ने क्लेम किया है, यहाँ पे कस्टमर केयर का मेल एड्रेस सारा कुछ दिया हुआ है। लेकिन भाई रियलिटी में इस एप्लीकेशन पे क्या होता है पता है? ये एप्लीकेशन आप लोगों से एडवांस, ये जो हैंडलिंग फ़ीस ये लोग बता रहे हैं या तो प्रोसेसिंग फ़ीस आप लोग बोल सकते हो, आप लोगों से एडवांस ही मांगते हैं। आप लोगों को बोलेगा कि भाई आप लोगों को लोन मिल जाएंगे, आप लोग ये प्रोसेसिंग फ़ीस पेमेंट कर दो। अगर आप लोग प्रोसेसिंग फ़ीस लोन मिलने से पहले ही एडवांस पेमेंट कर देते हो तो ये एप्लीकेशन वाले आप लोगों को लोन नहीं देंगे। आप लोगों को बताएंगे, कोई दूसरा रीज़न दे देंगे कि भाई आपके अकाउंट फ्रीज हो गया है या तो आपकी बैंक अकाउंट गलत है, तो आप लोगों को फिर से पेमेंट करने के लिए बोलेंगे। अगर आप लोग फिर से भी पेमेंट कर देते हो फिर भी आप लोगों को ये एप्लीकेशन वाले लोन नहीं देंगे। आप लोगों को फिर से कोई प्रॉब्लम बता के फिर से आप लोगों से पैसा मांगेंगे। ऐसे करके आप लोगों से पैसा मांगते रहेंगे जब तक आप लोगों को ये रियलाइज़ नहीं हो जाता है कि भाई मेरे को तो कोई भी पैसा नहीं मिला है, मेरे को तो लोन नहीं मिला है, मैं ही खुद पैसा देते जा रहा हूँ लोन मिलने की सपने देख के। ठीक है, अभी भाई ऐसा वाला ही स्कैम इस एप्लीकेशन पर होता है। आप लोगों को मतलब भरोसा नहीं है मेरे पे, यहाँ पे आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे 1 स्टार रिव्यूज़ आप लोग देख लो, लोगों ने बताया है कि भाई ये एप्लीकेशन वाले लोगों को 50,000 का 1 लाख का लोन देने का वादा करते हैं और लोगों से पैसा लेते हैं, प्रोसेसिंग फ़ीस लेते हैं और बाद में कट लेते हैं, ना ही लोन देते हैं ना ही प्रोसेसिंग फ़ीस वापस देता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे बंदे के साथ यहाँ पे सेम प्रॉब्लम हुआ है। लोगों से 12%, 5%, 6% ऐसा करके प्रोसेसिंग फ़ीस ये लोग एडवांस से ले रहे हैं। लोगों से 2,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़, 2,500 रुपीज़ ऐसे करके पैसा ले रहे हैं और बाद में लोन ही नहीं दे रहे। और ये जो प्रोसेसिंग फ़ीस लेते हैं इसे भी ये लोग वापस नहीं करते हैं। आप लोग खुद से भी गूगल प्ले स्टोर की 1 स्टार रिव्यूज़ पे जाके पढ़ोगे, थोड़ा आप लोग खुद से भी रिसर्च करोगे तो आप लोगों को भी इसके बारे में पता चलेगा। आप लोग भी भाई जान पाओगे कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ भाई ओवरऑल भाई बिल्कुल ही फ्रॉड एप्लीकेशन है भाई, बिल्कुल ही रिक्स एप्लीकेशन है भाई। और आप लोगों को गलती से भी इस एप्लीकेशन पे चक्कर में नहीं फंसना है। अगर आप लोग ऑलरेडी इस एप्लीकेशन के चक्कर में फंस गए हो भाई, आप लोगों ने पेमेंट वगैरह कर दिया है तो भाई आपके पैसा तो गया। आप लोग ये जो प्रोसेसिंग फ़ीस पेमेंट किया है ना आप लोगों ने, इसको आप लोगों को वापस नहीं मिलेगा। आप लोग इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट साइबर क्राइम वेबसाइट पे जाके कंप्लेन कर सकते हो और भाई हो सके तो भाई और भी RBI की पोर्टल पर भी कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन मुझे जितना पता है भाई आप लोगों को ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को सेफ़ रहना है, आप लोगों को हर टाइम अलर्ट रहना है। ऐसे जो भी एप्लीकेशंस आप लोगों को मिलते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जहाँ पे आप लोगों से लोन देने के लिए एडवांस प्रोसेसिंग फ़ीस मांगते हैं, उन सारी एप्लीकेशन से आप लोगों को जितना हो सके दूर रहना है, तो ही आप लोग सेफ रह पाओगे। ओवरऑल ये जो स्मार्ट लोन्स एप्लीकेशन है गाइस बिल्कुल ही घटिया एप्लीकेशन है। आप लोगों को इस एप्लीकेशन के चक्कर में
गलती से भी नहीं बचना है भाई, बस यही बताना चाहता हूँ। अगर आप लोगों का कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कुछ आप लोगों को जानना है, कुछ डाउट्स है, आप लोग कमेंट पे बिंदास बता सकते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट पे बताओ, मैं हर एक बंदे की कमेंट देखता हूँ, पढ़ता हूँ और मैं रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो बिंदास आप लोग कमेंट पे बताओ। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा, आप लोगों को कोई भी मतलब इनसाइट्स जानने के लिए मिला, अगर आप लोगों को लगता है कि भाई वीडियो अच्छी है तो भाई एक लाइक तो बनते हैं और चैनल को भी सपोर्ट करना। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, बाय बाय गाइस, लव यू गाइस।